सांसद शांता कुमार ने पालमपुर में आयोजित एक दिवसीय रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ किया। सांसद शांता कुमार ने हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन को पालमपुर में खूबसूरत रेड क्रॉस मेले के आयोजन की बधाई देते हुए उन्हें मेले के शुभारंभ में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस भारत ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में समर्पित दुनिया की सबसे पुरानी संस्था है, जो लगभग 200 वर्षों से दुनिया के हर देश में पीड़ित मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पीछे हैं। रेड क्रॉस पीड़ित और असहाय लोगों की सेवा कर रही है, जो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि समाज में जो पीड़ित और दुखी है, ऐसे लोगों की मदद ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा सर्वोपरि समझने वाली इस संस्था का प्रयास सराहनीय है और इस कार्य में पालमपुर की महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कमलजीत के प्रयासों की सराहना करते हुए लोगों को इनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरत लोगों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि जीवन वही है जो समाज के लिए जीता है और केवल अपने लिए जीने वाला मृत के समान है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आएं और किसी न किसी रूप से समाज सेवा का कार्य अवश्य करें। इससे पहले हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन की अध्यक्ष श्रुति प्रिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा, संजुला शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव सोनी, सुरेंद्र ठाकुर आदि उपस्थित रहे। दुनिया की अत्यंत महत्वपूर्ण पुरानी संस्था है, भारत में ही यह संस्था 200 साल पुरानी है। लगभग 200 साल पहले भारत में यह संस्था प्रारंभ हुई। दुनिया के हर देश में यह संस्था काम करती है और आते ही सबसे पहले सामने बैठा मंच की ओर देखा तो मंच के पीछे जो एक बैनर लगा है उस पर एक पंक्ति लिखी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको ध्यान से पढ़िए, पीड़ित मानवता की सेवा है सर्वोपरि। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है लेकिन कुछ लोग बहुत पीछे पिछड़ गए हैं। रात को भूखे सोने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। भारत में भी आजादी के बाद बहुत तरक्की की हमने, बहुत विकास किया हमने, लेकिन बहनों भाइयों से सच्चाई यह है कि अमीरी चमकती रही और गरीबी आज भी सिसक रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल में उस प्रकार की भयंकर गरीबी नहीं, लेकिन भारत में झोंपड़ियों में किस प्रकार सिसकती है। दुनिया में इस देश में सुख भी है दुख भी है, जो दुखी हैं जो पीड़ित हैं उनकी सहायता उनकी मदद ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और मैं समझता हूं कि यह संस्था पीड़ित मानवता की सेवा और उसको सर्वोपरि समझती है। सबसे महत्वपूर्ण है पीड़ित मानवता की सेवा, जो दुखी है जो गरीब है जो पीड़ित है उसकी मदद करना सबसे महत्वपूर्ण है और उस काम में यह संस्था लगी है। मैं रेड क्रॉस के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मंदिर नहीं बनाए मनुष्य ने, बहुत मंदिर बनाए, हजारों लाखों की संख्या में भगवान ने एक मंदिर बनाया है और वो मंदिर है मनुष्य, और उसकी सेवा करना भगवान से सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। मुझे पता नहीं मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा होती कि नहीं होती,
मुझे पता नहीं, क्योंकि अब तो देवता भी लड़ने लग पड़े हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति में भगवान रहता है। काम को हमारी कमेटी कर रही है, गरीब के पास जाओ, पिछड़े पंथ से जहां लोग हैं, जहां झोपड़ी में लोग परेशान हैं, उनकी सेवा करो। दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, उनकी जब हम मदद करते हैं वो भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। तो मैं बधाई देता हूं इस रेड क्रॉस सोसाइटी को और बधाई देता हूं रेड क्रॉस सोसाइटी में काम करने वाले सभी मित्रों को और विशेषकर उन बहनों को जो अपने घर का काम काज करते हुए समय निकाल करके, साधन निकाल करके